तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि भाई, इज इट पॉसिबल टू ड्राइव इन 10 मिनट्स। भाई यार, ये वीडियोस काफी बन रही हैं कि 10 मिनट में गाड़ी सीख ली, एंड 10 मिनट में गाड़ी की ड्राइविंग पूरी एकदम सीख ली प्रो लेवल में। ऐसे ऐसे कैप्शन डाले जा रहे हैं यूट्यूब वीडियोज पे। तो पूरा डिस्कस करेंगे एंड बताएंगे कि भाई एक्चुअल में 10 मिनट में सीखा जाता है या नहीं सीखा जाता, और साथ ही कुछ बेसिक टिप्स भी देंगे कि भाई हाँ, ऐसे ड्राइविंग होती है। क्योंकि भाई प्रो ड्राइवर बनना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 10 मिनट में ही प्रो ड्राइवर बन गए। तो भाई 10 मिनट में गाड़ी को पिक करना भी एक बहुत बड़ा टास्क रह जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा गाड़ी में पहली बार बैठ रहा है, तो उसको एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाने में भी 10 मिनट तो क्या भाई, एटलीस्ट 10 मिनट में वो चार बार बंद करेगा। एंड देन उसको फिर बाद में एक दिन का गैप देके दूसरी बार दिया जाए कि भाई ले फिर से पिक कर, तो उससे 10 मिनट में नहीं होगा वो चीज़। तो यहाँ पे ये तो सीधा फर्स्टली क्लोज कर दूंगी, हाँ भाई 10 मिनट में गाड़ी की ड्राइविंग नहीं सीखी जाती। बस हाँ, बेसिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें होती हैं। बस फीचर्स का पता लगता है कि जस्ट लाइक ABC क्या होता है, स्टेयरिंग, गियर एंड दैट्स ऑल। सो ये फंडा रहता है। तो चलिए चलते हैं, वो 10 मिनट वाला डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही गेट खोलते हैं तो अपने सामने बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप देखो, 10 मिनट में इन सबको समझना और इनके अकॉर्डिंग यूज टू होना कहीं पॉसिबल है? एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। अब भाई इनको भी लोगों को यूज़ करने में लगभग सप्ताह लग जाता है, 7 से 8 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इनमें भी यूज टू होना पड़ता है। कई केसेस में क्या करते हैं, क्लच से हटा के ब्रेक पे पैर डाल देते हैं। अब जो पैर एक्सेलेटर से हटा के ब्रेक पे डालना, तो वही क्लच से हटा के ब्रेक पे कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और तो और गाड़ियाँ बंद होती हैं, गाड़ियाँ कहीं भिड़ती हैं, तो ये चीज़ें कंडीशन होती रहती है। सो उन कंडीशन को मतलब कि कम करने के लिए आपको बेसिकली प्रैक्टिस चाहिए कि हाँ, इस टाइम ड्यूरेशन तक अगर आप प्रैक्टिस करते हो लगातार, तब जाके आप अच्छे ड्राइवर बन सकते हो, वो भी प्रो नहीं। तो सबसे पहला ये की स्लॉट, इसके बेसिक्स ऐसे हैं भाई, आप सीधा डालते हो, आप क्या सोचते हो बस जस्ट ऐसे घुमानी है। तो ये चीज़ें नहीं, इसके कई फैक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक एक बार किया, इसका इग्निशन ऑन होगा, जिससे जस्ट लाइक जिसमें म्यूजिक सिस्टम ऑन हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी जो ऑन हो जाते हैं, ACC जिसे बोला जाता है, हर गाड़ी में लिखा होता है, यहाँ पे इसके तो ऑलमोस्ट मिट चुके हैं, यहाँ पे ACC लिखा रहता है। देन आता है ऑन, ठीक है, ये वाला ऑन, ठीक है, ACC के बाद में ऑन, देन होती है स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी गाड़ी हो, नई हो पुरानी हो, क्लच को दबाना जरूरी रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लच को दबाया, ठीक है, क्लच दबा रखा है, एंड तो ऐसे करते हैं स्टार्ट। तो इस चीज़ को समझने में भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें, एटलीस्ट अभी वीडियो की लेंथ देख लो, ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो ही गए होंगे, उसमें आपने सिर्फ क्या सीखा कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, यहाँ पे चलाने की बात ही नहीं आई। तो यहाँ पे 10 मिनट में गाड़ी को सीखना एज सच पॉसिबल नहीं है। तो ये मिथ मन से निकाल लो कि भाई 10 मिनट में गाड़ी सीख जाओगे, हाँ प्रैक्टिस हो जाएगी, बेसिक्स जान लोगे। देन क्लच को दबाया, ब्रेक को दबाया, एक्सेलेटर को दबाया, ब्रेक, क्लच, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच, एक्सेलेटर, ये होती है बेसिक प्रैक्टिस। अब बारी आती है स्टीयरिंग व्हील की। तो ऐसे मतलब कि इसके कई पोजीशंस होते हैं, ठीक है, अगर एक प्रो ड्राइवर बनना है तो भाई ये होता है भाई 9-3 के पोजीशन की, हाँ, जिसमें एक कमांडिंग पोजीशन मिलती है, देन 10-2 की पोजीशन मिलती है अपन को। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा है भाई, अपन को स्टडी और अच्छा खासा एक टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है कि भाई आप इतना काट सकते हो और इस साइड इतना काट सकते हो, ये क्या है भाई ऑलमोस्ट चलाते वक्त भाई टर्निंग अच्छे से कर सकते हो। लेकिन वही बात आती है 10-12 की, इसमें आपको एक अच्छी और कंफर्टेबल ये कमांड मिल जाती है हाईवे पे, ठीक है। और ये पोजीशन, यहाँ पे बहुत गलती करते हैं लोग, ऐसे पकड़ के चलाते हैं। तो किसी कंडीशन में अगर सामने कोई आता है एक हाथ में है, तो ऐसे ऐसे होने में भाई बहुत टाइम लगता है, और साथ ही गाड़ी की मिस हैपनिंग होना बहुत ही ज़्यादा ऐसा है भाई, एग्जैक्ट हो जाती है। तो ये है भाई कि 10 मिनट में तो सीखना पॉसिबल नहीं है, कई फैक्टर्स मायने रखते हैं। तो यहाँ पे हैंड ब्रेक है, अब हैंड ब्रेक, अब गाड़ी को बढ़ाना है आगे, तो ब्रेक को दबाया, हैंड ब्रेक को निकाला, फिर ब्रेक को हटाया, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अब जैसे कि स्लोप में है तो बढ़ने लगेगी। तो ये पंगा रहता है, ठीक है। तो ये वाला फंडा है। अब गियर की बात करें, गियर भाई क्लच को दबाया, यहाँ पे डायग्राम बना रहता है, क्लच को दबा के फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, अब जस्ट लाइक क्लच को दबाया, क्लच को दबा के फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, देन ऐसे पुश किया सेंटर में, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, एंड देन
फिफ्थ गियर, ये फंडा रहा 10 मिनट की ड्राइविंग वाला। अब भाई ऑलमोस्ट वीडियो की लेंथ हो गई 5 मिनट, और अभी तक अपन ने क्या सीखा कि गाड़ी के बेसिक्स, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेशन, गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है, और गाड़ी के गियर और हैंड ब्रेक होता क्या है। तो ये चीज़ें होती है। अब गाड़ी को चलाने की बारी तो बहुत आगे रह गई, तो 10 मिनट में तो बनना पॉसिबल नहीं है। बाकी हाँ, ऐसे लेसन्स कई होंगे जब जाके आपको, मतलब कि ये चीज़ें होती है ना भाई, तो ऐसी कई चीज़ें होती है उसके बाद में ये मतलब कि अपना क्लियर होता है कि हाँ भाई ऐसे चलानी है। अब जस्ट लाइक देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लच को दबाया, ठीक है, आप देख सकते हो लेग की मूवमेंट, क्लच को दबाया, गियर को डाला, हैंड ब्रेक को रिलीज़ किया। हैंड ब्रेक को रिलीज़ करने पे अगर कहीं गाड़ी स्लोप में नीचे जा रही है तो उस कंडीशन में साथ में ब्रेक को प्रेस करके रखो, हैंड ब्रेक को हटाओ, ब्रेक से पैर हटाओ, स्लोली स्लोली क्लच को छोड़ो, ठीक है, फिर बाद में ऐसे पकड़ के गाड़ी स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगी। तो ये कंडीशन होती है आइडियल पोजिशन की, हाँ बेसिकली गाड़ी आगे कैसे बढ़ती है, ठीक है। ये तो गाड़ी ढलान में या फिर कह लो स्लोप में है तो अच्छे से कर रही है, वरना ये इतना इजीली पिक नहीं होती गाड़ी का, कैसेस में हर किसी से बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये फंडा रहता है। अब रिवर्स लेते हैं, ठीक है, तो ये सारा फंडा ये है। अगर आपको ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए नीचे कमेंट डाउन कर दो, और तो साथ ही अपने चैनल पे कई वीडियोस हैं जिसमें अपन ने कार की ड्राइविंग सिखाई है। बट हाँ, इस वीडियो में मेरा कुछ डाउट क्लियर करने थे लोगों के कि भाई हाँ 10 मिनट में ऐसे ड्राइविंग होती है, तो भाई इतना अच्छा मतलब कि ईजी नहीं है कि आप 10 मिनट में गाड़ी सीख लोगे, बस हाँ बेसिक्स पता चल जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो दैट्स इट, आज की ये वीडियो कुछ इतनी रहने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।